म इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से आपके प्रीलिम्स uh, एग्जाम के लिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है फॉर एयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि हर साल तीन मार्च को मनाया जाता है

इट इज अ करंट अफेयर्स कोर्स और आप अभी पीडिया के डैशबोर्ड पर जाके इसको बाय कर सकते हैं इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन्स सी अभी जो आप वीडियो देख रहे हो दैट इज ओनली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेंस का इसमें जो है मेजर पोर्शन जो है वो कवर नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीलियम्स के लिए यू विश टू कवर मेन्स का टॉपिक एज वेल है ना एंड यू विश टू एक्चुअली क्लियर द एग्जामिनेशन दिस इज समथिंग विच विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू इट विल बी लाइक अ न्यू वेपन इन यूर आर्सनल राइट इट इज अवेलेबल बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट सो ईज ऑफ एक्सेस इज देर इस कोर्स केंबर वन यू गेटलीट टू क्लासेस एवरी सैटरडे एंड मंडे द्लास देन यू हैव वीकली पीडीएफ देन यू हैव वीकली टेस्ट सो ये दो चीजें आपके आपको डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगी वीकली पीडीएफ के अंदर बहुत ही प्रिसाइस फॉर्म में पूरे हफ्ते के करंट अफेयर को जो है दिया जाता है और उसके अंदर आपका स्टैटिक पोर्शन की जो रिसर्च वर्क होती है वो भी साथ साथ में डन होता है प्लस जितने भी सोर्सेज इमेजिनेबल हैं उन सबको इसके अंदर कवर करके आपके पास में हफ्ते की एक छोटी सी पीडीएफ आती है जिसको आपने पढ़ना है और याद करना है और उसको समझना है है ना और दूसरा इस दोनों चीज़ों को मिला के अगर आपने फोर्टिफाई करना तो यू गेट वीकली टेस्ट ये भी आपके जो है आपके डैशबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर अटैम्प्ट करने को मिल जाएंगे उटन डेज फ्री ट्रायल इज इन दिस्क्रिप्शन आप, so uh, आप देखिए क्लास में आइए एक बार आपको पता लगेगा की हाउ थिंग्स आर डन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सो उसको बहुत सिंपल बहुत प्रिसाइस में uh, कर लेंगे इसको आज मार्च थ्री इज नोन एज वर्ल्ड लाइफ डे मार्क्ट ड्रॉ अटेंशन टू इशूज

Um, सवाल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आदत है स्टेट्स की थोड़ा सा टेढ़ा और थोड़ा सा अजीब सवाल पूछने की सो so, उस केस के लिए आप जो है इसको याद रख सकते हैं कि सिक्सटी सेशन में ये हुआ था है ना कब इन डिसम्बर 2013 में हुआ था तो इस इसके साथ में भी आपको याद रहेगा कि अच्छा डिसम्बर 2013 का है ये 2013 ऑनवर्ड्स ये मनाया जा रहा है तो कौन सा सेशन हो सकता है तो क्या इस वक्त में ईजी होगी अगर तो यू पूछेगा भी तो इसको ड्रामेटिकली चेंज कर देगा थर्टी एथ कर देगा तीस साल पुराना कर देगा या ऐसा कोई सेशन कर देगा जो हुआ ही नहीं है अभी ताकि आपको मतलब आंसर तक आप पहुंच सकते हो बट फैक्चुअल याद कर सकते हो इट इज अटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट वर्ल्ड लाइफ ये हो गया इट इज मार्च तीन को होता है ये भी हो गया दिस डेट वॉज चोजन एज इट इज दर्थ डे ऑफ साइट्स राइट एज आई वॉज टेलिंग यू क्या है साइट दशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड दो हजार तेरह में सेम में डे इस, पे, पे हम यू एनजी के थ्रू डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड लाइफ डे द थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज या वी कैन से वॉज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ठीक है ये भी जो थीम्स वगैरह भी हैं ये एग्जैक्टली exactly पूछ ली जाती है खासकर इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया तो ये जो हिमाचल का एच एग्जाम होता है उनकी टेंडेंसी रहती है इस टाइप का पूछने के लिए कि वो डायरेक्टली जो है वो पूछ लेते हैं कि थीम क्या थी इस पर्टिकुलर डे की विद द गोल ऑफ ऑनरिंग दोज अ डिफरेंस इन प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना अभी हम चलते हैं थोड़े से स्टैटिक पार्ट की तरफ बेसिकली आपने साइट्स को कवर कर रखा होगा इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर इस वीडियो के थ्रू वी आर हाइटलाइटिंग द थिंग्स है ना जो कि आपने शायद ना पढ़ी हो तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को टच करूंगा इसके अंदर चलिए चलते हैं आगे इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स डू नॉट थ्रेटन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा सुनिए इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए इट इट इट्स एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लाट्स दस डॉट थ्रेटन दर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज मतलब कि यह इंटरनेशनल ट्रेड को बैन नहीं करता है पूरी तरह ठीक है सिर्फ ऐसा स्पेसिफाई करता है कि उनके ट्रेड से उनकी एक्सटिंगशन ना हो राइट सो इट इज नॉट कंप्लीट बैन साइट्स ठीक है चलिए प्रोटेक्टेड स्पीशीज इट अकॉर्ड वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर देन थर्टी सेवन थाउजेंड स्पीशीज है ना दे रेंज फ्रॉम लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स अब एक और चीज में हाईलाइट हुई है तो अगर आप लोग नए हैं प्रेपरेशन में तो ये चीज ध्यान रखनी होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स

ना उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेड होगा ही नहीं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन स्पेशल परमिशन लगती है एन रेयर सर्कमस्टेंसिस एक्सेप्शनल रे परमिशन मिलती है फ्रॉम इंडिया जब यहाँ से आ, इंडिया में लॉयन का ट्रेड हुआ था अपेंडिक्स टू इट इंक्लूड स्पीशीज नॉट नॉट को ध्यान से नॉट नेली थ्रेटेड विद एक्सटिंक्शन बट इन ट्रेड विच मस्ट बी कंट्रोल टू एंश्योर देयर सर्वाइवल है ना एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली है लेकिन ट्रेड को ध्यान रखना पड़ेगा कि यार आउट ऑफ हैंड ना चला जाए फॉर एग्जाम्पल सर्टन काइंडसिस एंड हिपोपोटामिस दैन वी है थ्री इट कंटेन स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री ठीक है विच हैज अदर साइड्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो एक कंट्री ने उसने बोल दिया कि हमारे में यहाँ प्रोटेक्टेड है और मैं चाहूंगा जो मेरी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं या फिर और जो कंट्रीज हैं वो भी इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करें तो वो अपेंडिक्स अप्री में मानी जाती है फॉर एग्जाम्पल बंगाल फॉक्स और गोल्डन जैकल ये इंडिया के एग्जाम्पल हैं साइट्स का एक क्रिटिसिजम है बहुत बेसिक सा वो भी हम देख लेते हैं फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये आपका प्री का पार्ट मोस्टली नहीं बनेगा ये मेंस का पार्ट है फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ बोनस कंटेंट इट इन लीगल ट्रेड क्या मतलब है कि अगर आपने वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ही अलाउ कर दिया तो इन ट्रेड भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगा और लेजिटिमाइज होता जाएगा लैगिंग बिहाइंड साइट्स की जो प्रोटेक्शन है दैट लैग्स बिहाइंड की राइट नाउ रिक्वायरमेंट क्या है ये बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि पेंगोलिन एडिड टू अपेंडिक्स वन इन 2017 ठीक है 2017 में पेंगोलिन जो कि एक एनिमल स्पीशीज है

साइट लिस्टेड स्पीशीज तो उसमें वो सब ट्रेड नहीं कर सकेगा थोड़ा ज्यादा पर वो तो ऑलरेडी इलीगल ट्रेड अगर कर रहा है वॉयट कर रहा है तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में है इसका एक लिमिटेशन है वॉलेंट्री मेंबरशिप ड्यू टू वॉलेंट्री नेचर ऑफ साइट्स मेंबरशिप नोबडी इज स्ट्रिक्टली बाउंड टू फॉलो इट्स डायरेक्शन ठीक है बहुत सिंपल आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है और दैट इज ऑल राइट ये रहा हमारा आज का टॉपिक तो ये थोड़ा स्टैटिक और आपका जो है करंट करंट डिराइव स्टैटिक टॉपिक्स में से ये आता है और डोंट फॉरगेट अबाउट दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी देयर इन विच यू गेट सेवन डेज फ्री कोर्स आज का टॉपिक शुरू हुआ था हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से कि इसकी क्या थीम है कैसे है और साइट्स के बर्थडे के दौरान ये बना था और उसके बाद में हमने थोड़ा सा जो है साइट्स के बारे में भी देखा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय नेम इज रोहित गर्चा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन यू आई